तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने पशुपालकों की डिमांड पे मुर्रा के बेहतरीन नायाब नगीने निकाल करके लाए हैं। आज की स्पेशल वीडियो में एक बिगेस्ट अर्डर क्वालिटी में दो दांत सुपर मुर्रा जो छोटी है आप लोगों को देखने को मिलेगी। संदीप भाई साहब कहने को तो तू ही मतलब इसकी फेस वैल्यू पीठ पुट्ठा रंग रूप कहने को तो कह लो इसको अर्जुन कुंगड़ की जी ठीक है ठीक है। लेकिन HLDB की है सरकारी सीमन की है भाई साहब। HLDB सीमन की है। कितने दिन की ब्याई होगी ये फिलहाल? कल दो पैर को बच्चा दिया। दो पैर को बच्चा। तो दूसरे वाली झोटी इसकी क्या कुछ जानकारी है? ये भाई साहब परसों की ब्याई हुई है। ठीक है। सुबह खीस से बिल्कुल टोपे टोपे जाग दी है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल भरी कर रखी खीस से जी। ठीक है। हाँ। और जिस टाइम पे भरी को देखते ना हाँ हाँ मतलब सही पैरों के बीच में इतना चौड़ा लेवटा। ठीक है। आप सभी पशुपालकों की नजर टिकी है दो दांत झोटी के ऊपर। बिल्कुल। तो कीमत मोल भाव देखो भाई जी और ब्रीडरों की तरह करवानी हो तो कह दूंगा लो 8 लाख रुपए हैं। लेकिन भाई साहब नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक। 8 लाख रुपए तब होते इसको मतलब थोड़ा रंग लेता। हाँ हाँ। और बच्चे का भी मतलब रंग देता। ठीक है। मेरे घर से निकल गई मेरा क्या है। हाँ, मैं भी कह दूंगा लेके आए वो पीछे वाले ने किया होगा जो किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। लेकिन ऐसे नहीं होगा भाई जी। ठीक है। वाजिब रेट होगा और ब्रीडरों की तरह ना कि 8-10 लाख रुपए कर दिए। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने पशुपालकों की डिमांड पे मुर्रा के बेहतरीन नायाब नगीने निकाल करके लाए हैं। आज की स्पेशल वीडियो में एक बिगेस्ट अर्डर क्वालिटी में दो दांत सुपर मुर्रा जो झोटी है आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरी है 4 दांत वो भी काफ़ी अच्छी झोटी प्योर जेट ब्लैक टेल में आप देख सकते हैं। आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के गाँव गुडाना से लेकर के आए हैं जाने माने एक ही लोकप्रिय चेहरे। काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने कवर करी। भरोसे का विश्वास का एकदम दमदार जो डेयरी फार्म है वो हम कह सकते हैं। आज की स्पेशल वीडियो सांगवान डेयरी फार्म पे आए हैं जितेंद्र सांगवान भाई। खेतों में भाई का डेयरी फार्म है और सेल परचेज का कारोबार हर बार अल्टीमेट सिलेक्शन के साथ कुछ ना कुछ उम्मीदों से परे हट करके कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो आज भी स्पेशल वीडियो में आपको दो झोटियाँ देखने को मिलेंगी। सीधा भाई के पास लेकर के चलेंगे बारीकी से डिटेल्स जानेंगे। जीतू भाई सबसे पहले नमस्कार है आपको। नमस्कार भाई साहब। कैसे हो जी? ठीक हो? बहुत बढ़िया भाई साहब। तो पिछली वीडियो का पशुधन वो बिक गया, वो सेल आउट कर दिया, उसके बाद तो 4-5 पशु और भी आके और भी दे दिए। हाँ। तो आज जो झोटी लेकर के आए हो कहाँ से सिलेक्शन मिलता है? ऐसा काफी भाई कह देते हैं ऐसी अच्छी झोटियाँ हमें तो मिलती नहीं, हम भी फील्ड में ही रहते हैं। देखो भाई साहब फील्ड में रहते होंगे लेकिन ऐसे पशुधन के मतलब धन का धन लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। कह देंगे भाई फर्स्ट टाइमर तो झोटियाँ 60-65 हज़ार रुपये में आ रही हैं। हाँ हाँ। ये झोटियाँ 60-65 हज़ार। ये तो बस एक छोटा सा माइनस पॉइंट है, अगर वो ना हो ना पूछ तो मैं कहूंगा जितनी रकम मांग लो उतना ही कम। मुंह मांगी रकम मिलेगी झोटी की। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। लेकिन और ब्रीडरों की तरह नहीं है कि भाई इसको रंग दिया और 8-10 लाख रुपए ले लिए। ठीक बात है। धोखाधड़ी नहीं करेंगे 1% जी। सबसे पहले झोटी पे चलते हैं। दो पशुधन दिखाओगे? हाँ, दो पशुधन दिखाओगे। एक फर्स्ट टाइमर है, दो दांत। दोनों फर्स्ट टाइमर है। दोनों ये दो दांत है, ये 4 दांत है। ये 4 दांत है। हाँ। ठीक है। तो जो दो दांत है इसी से शुरुआत कर लेते हैं। क्या कुछ जानकारी है बता दीजिए। हाँ भाई सीताराम। और ठीक से बैठ भाई के? ठीक सा भाई। और बड़का खातिर देना देना सह के देना सा भाई? या झोटी थी खराब होगी भाई ना तो आगे की होंगी और ना या शरीर बना दी मना तो या काट डाला तो देनी पड़ेगी। अरे काट डाला किसी तीसी करी से एक बात बताऊं तो ना शक्ति मीन गोल्ड का पाउडर। हाँ। और ब्रीडअप की गोली 15 दिन में वारे नारे हो जाएंगे। पशुधन स्वस्थ तो किसान समर्थ, इसलिए हेल्मिसाइड DS शक्ति मीन गोल्ड पाउडर और ब्रीडअप की टेबलेट शारीरिक विकास और हीट के लिए। संदीप भाई साहब कहने को तो तू ही मतलब इसकी फेस वैल्यू पीठ पुट्ठा रंग रूप कहने को तो कह लो इसको अर्जुन कुंगड़ की जी। सेम कॉपी ना हो तो आप बता दो पूछ को छोड़ के। ठीक है ठीक है। लेकिन HLDB की है सरकारी सीमन की है भाई। HLDB सीमन की है। हाँ। दो दांत झोटी है। दो दांत दिखाऊंगा वो तो दिख रहे हैं सबको। ठीक है। कितने दिन की ब्याई होगी ये फिलहाल? कल दो पैर को बच्चा दिया। दो पैर को बच्चा दिया है। हाँ। और दो दांत फर्स्ट टाइमर झोटी आप सब पशुपालकों के सामने। कॉम्पैक्ट साइज का पशुधन है। सिंगों की बनावट आप देखिएगा बिल्कुल छोटे सिंग, छोटा जो सिंग है माथे पे जमता हुआ। बात करें नीचे अर्डर क्वालिटी फोरअर्डर से लेकर के साइड की टीट स्पेसिंग पीछे का जो लेवा है वो आप देखिएगा। जितना बखान जितना इसके बारे में डिस्क्राइब करें जितना डिफाइन करें उतना ही कम।
और एक ही माइनस पॉइंट है कि पूंछ में जो एक्स्ट्रा सफ़ेद बाल हैं वो झोटी में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, बाकी शराफत से भरपूर है। तो नीचे इसके मेल काफ है, मेल काफ है भाई, नीचे जो मेल काफ जो कटड़ा है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। ये मेल काफ आप देखिएगा, और तरोताजा सूंड यानी कि जो तांदवा है वो इस काफ के नीचे आपको देखने को मिल रहा है। माथे में सफेद टिक्का जो जो कटड़ा है उसके नीचे आपको, एक बार थोड़ा सा इधर कर दो, ये देखो जी हाँ। माथे में सफेद टिक्का, जैसी भी जानकारी हो तो इसको भी डाई मार देता, कल शाम को आइए मेरे पास, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हाँ। सुबह मैं मार देता, पूंछ को रंग देता। आपको क्या लगता है अगर ये पूंछ को रंगना, माथे में जो टिक्का है उसको डाई मार के लोगों का विश्वास जीत पाओगे? मुझे नहीं लगता है भाई जी, विश्वास तोड़ना है, जीतना नहीं है। तो आज तक जितना भी नाम कमाया वो सारा एक मिनट में पैसे में चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, है ना? मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। झोटी आप देखो जी, बिल्कुल शराफत से भरपूर, और दो दांत फर्स्ट टाइमर झोटी, फेस वैल्यू आप देखिएगा काफी जबरदस्त। ऑर्डर फिर से आप सब पशु पालकों को दिखा रहे हैं, ये आप देखो फोर ऑर्डर में जो टिट स्पेसिंग है वो, साइड से जो टिट स्पेसिंग है वो, और पैरों के बीच का बेहतरीन लेवा, बेहतरीन जो ऑर्डर है इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ये मान लो भाई साहब, कल जब आई ना हम वहीं थे, ये ऑर्डर यहाँ तक चढ़ा हुआ था मूत्र मार्ग तक। अच्छा हाँ, ये मानो जी कि भाई 80% जोटी खाली कर दी थी कल शाम को और आज सुबह जी, दो टाइम में करके 80% जोटी खाली कर रखी है। जी 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 हाँ। तो जीतू भाई आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद करके बैठे हो, कितना एक्सपेक्टेशन है इससे? इसकी मदर है लगभग 25-26 लीटर दूध निकाल रही है। अच्छा हाँ, इसकी बड़ी बहन वो भी मतलब ये अब सेकंड टाइम ब्याई हुई है, उसमें दूध है 22 और 23 के बीच में। अच्छा, मदर में, इसकी बड़ी बहन में, इसकी बड़ी बहन, सेकंड टाइमर में, ठीक है ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइमर लगभग एक अंदाजा, मेरा आइडिया ये है कि 17+ करेगी, जो 17+ दूध पक्का करेगी। अच्छा हाँ, तो ये देखो जी बिल्कुल शराफत से भरपूर, ठंडी झोटी, छोटा सींग, बिल्कुल ठंडी है भाई जी, लंबाई ऊंचाई है आपसे पशु पालकों के सामने, और ये आप देखो ठंडेपन में जो झोटी है वो, और किसी तरह की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो दूसरे वाली झोटी, इसकी क्या कुछ जानकारी है? ये भाई साहब परसों की ब्याई हुई है, ठीक है, सुबह खीस से बिल्कुल टोपे टोपे जाग दी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भरी कर रखी खीस से जी, ठीक है हाँ। और जिस टाइम पे भरी को देखते ना हाँ हाँ, मतलब सही पैरों के बीच में इतना चौड़ा लेवटा, ठीक है हाँ। तो ये चार दांत है, ये चार दांत, तो ये भी फर्स्ट टाइमर है, ये भी फर्स्ट, इसके नीचे बच्चा क्या है? इसके नीचे कटड़ी है, इसके नीचे फीमेल काफ जो हाँ। कटड़ी है, और ये कटड़ी है भाई साहब जी, यहाँ पे कनीना के पास में छीतरोली गांव है एक, ठीक है ठीक है, प्राइवेट बुल है सक्का। अच्छा हाँ, मेरे पास अंदर उसकी सटरा भी रखी है जी, उन्होंने सटरा भी दे रखी है, ठीक है, सक्का बुल की कटड़ी है ये हाँ। तो और ये उसकी भी सक्का बुल जो है उसकी माँ का रिकॉर्ड है 23 किलो 200 ग्राम शायद, तो ये भी माँ की तरह ही प्योर जेड ब्लैक टेल में जो फीमेल काफ जो कटड़ी आप देखिएगा हाँ। सुंदरता से भरपूर, बात करें झोटी की, चार दांत फर्स्ट टाइमर झोटी, प्योर जेड ब्लैक टेल, लंबाई ऊंचाई आप देखिएगा, चेहरे मुरे की बनावट आप देख सकते हैं, थनों के कूप है वो आप देख सकते हैं। तो आज तैयार दूध में तो दोनों में से कोई सी भी नहीं है, है ना? तैयार दूध में नहीं हाँ, भाई हाँ। वो तो खीस में है, तो फिर भी धार चुवाई एक बार दिखा हाँ, देते हैं दोनों। तो दोनों झोटियां, दोनों की दोनों ताजा ब्याई हुई, और हर बार की तरह एक प्रयास एक कोशिश रहती है, चाहे ताजा पशुधन हो या फिर 2-4-5-10 दिन का ब्याया हुआ हो, समय रहते एक समय की मिल्किंग है, पशु पालकों को जरूर दिखाएंगे। यहाँ पे एक दो दांत झोटी है, एक चार दांत जो झोटी है वो आप देख सकते हैं, और रेफरेंस के लिए जो धोज पोसाव है इसका वो, धार चुवाई है वो, सारी चीज़ें बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि आज दोनों की दोनों खीस में खड़ी हुई हैं। तो एक एक्सपेक्टेशंस हम लोगों की हो सकती है कि अप्रोक्सीमेट इतना दूध इनको देना चाहिए या इतना देंगी, अभी तैयार दूध की दोनों में से कोई भी नहीं है। तो क्वालिटी से भरपूर पशुधन जितनी बार भी बात करें सागवान डेयरी फार्म ने हमेशा हमारे पशु पालकों को दिया है, और भरोसे का विश्वास का प्रतीक जो डेयरी फार्म है वो, जैसी भी जानकारी जैसी भी डिटेल्स जहाँ से भी लेकर के आएंगे वो सारी सेम टू सेम आप सब पशु पालकों के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। और एक के नीचे मेल काफ है, एक के नीचे फीमेल काफ है, देखिएगा दोनों बच्चे आराम से दूध पी रहे हैं, शराफत से भरपूर, शांत स्वभाव की दोनों झोटियाँ। तो कोई भी पशु पालक भाई आए, अपने हाथों से जो मिल्किंग है उसको देखें, जाँचें परखें, बिल्कुल अच्छे से चुवाई वगैरह करके फिर लेकर के जा सकते हैं। ये खाली बाल्टी सबसे पहले आप देखो, और ये चार दांत झोटी है, थनों का जो पोसाव है वो आप देख सकते हो चारों थन, और एक बार अगले दोनों थनों की धार मार के दिखा दो फिर पीछे वालों की, ये देखो जी अगले दोनों थनों की धारें हैं, फिर पीछे वाले ये आप देखो, ठीक है आप निकालो। तो
करनाल से दो भाई आए हैं दूध देखने के लिए, एक बार इनसे भी मैं मिलवाऊंगा। ये आप एक भाई इधर देखो और एक मेरे पीछे खड़ा हुआ है, ठीक यहाँ पे आप देख लो। तो जो दो दांत फर्स्ट टाइमर झोटी है, इसके थनों का जो पोसा वगैरह है वो आप देखिएगा, काफ़ी बेहतरीन जो टिट स्पेसिंग के साथ जो थनों का पोसाव है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप काट दे दो गुन भाई को, गदला की और मार के दे दे दूं फिर काट देंगे ये। कोई बात नहीं, जैसी भी है भाई ने, एक बार देख लेंगे आराम से। आदत को नहीं काट देंगे। कुछ ऐसा भी होता है जित्तू भाई, नया पशु हो ना और नए थन हमारे भी हाथ नहीं लगते, कई बार आपके भी नहीं लगते होंगे। बिल्कुल भाई जी, है ना, हमें तो ज्ञान है भाई। मैं एक दिन अपने वाली झोटी के नीचे बैठ गया भाई साहब, अगले अगले थनों का दूध निकालने में पसीने आ गए और मेरे पास फादर साहब रोज निकालते हैं भाई साहब, मतलब होता है कई बार। निकालने का ना निकालने का फर्क तो है। हाँ, तो ये देखो जी भाई निकाल रहे हैं, खाली बाल्टी दिखा दो जित्तू भाई, ये खाली बाल्टी दो दांत फर्स्ट टाइमर झोटी, अगले दोनों थनों की धार दिखा दो फिर पीछे वालों की। अभी थन भी छोटे हैं ना। बिल्कुल, ये देखो जी, ये दो थन जो दो दांत फर्स्ट टाइमर झोटी है उसके अगले थनों का दूध पीछे वालों की ओर मार के दिखा दो। तो जबरदस्त जो पोसाव है वो और सुंदरता से भरपूर जो झोटी है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिले। ये देखो साफ सटीक जो चुआई है वो आप सब पशुपालकों के बीच में, और ये आप देखो तो अभी फेस्टिव सीजन दीपावली का जो समय है वो चल रहा है और दीपावली नज़दीक है, 1 नवंबर हरियाणा डे जिस दिन हमारा है उसी दिन अब की बार दीपावली है, उसका जो पावन पर्व है वो हम सब मनाएंगे और काफ़ी अच्छा जो त्यौहार है वो, और काफ़ी अच्छी तवज्जो देते हैं और प्रयास एक कोशिश दीपावली के त्यौहार पे भी अच्छी अच्छी जो भैंसे अभी कुछ दिन और भी बचे हुए हैं उनके बीच बीच में अच्छा अच्छा पशुधन ऐसे ही आप सब भाइयों के बीच में उतारते रहेंगे, चलते रहेंगे। आजा। तो जितनी बार भी भाई पशुधन लेकर के आते हैं हर बार मैं कहूंगा, चाहे दो दांत फर्स्ट टाइमर झोटी हो या फिर चार दांत या फिर थर्ड लैक्टेशन का कोई पशुधन हो, हर बार हर एक पशुधन के नीचे दो दो ने जनों ने बैठ करके दूध निकाला है। उसी तरह का जो झोटी आप देख लो, दो जने बैठ के दूध निकाल रहे हैं, फिर भी किसी तरह का कोई अग्रेसिवपन, कोई उछल कूद नहीं है, शराफत से भरपूर बिल्कुल ठंडे स्वभाव की जो झोटी है वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ये आप देखो जी, तो जीतू भाई इसको खाली कर रहे हो बिल्कुल ना, सुबह खाली होगी, सुबह खाली करोगे। हाँ, ठीक है, सुबह खाली होगी। तो अभी तो एक आइडिया सा ले लेंगे बस, वैसे ही हैं लीटर वगैरह तो क्या ही भर के दिखाने को, ना ना। दारे चुवाई कैसी है, नरम फोली चुवाई है? बिल्कुल बिल्कुल फोली है चुवाई, तो ठीक है दोनों की फोली है। तो ये देखो जी भाइयों से पूछ लो, टाइट चुवाई भाई साहब, भाइयों से भी मिलवाएंगे, एक बार दूध दिखा देते हैं सबसे पहले ना। ये आप देखो तो दूसरे वाली का जो दूध है लगभग एक आइडिया सा है। ये आप देखो कितने दिन की ब्याई हुई थी ये, आज खीस से खाली की है, खीस से खाली करी है। हाँ, ठीक है, सुबह ही खाली किया था। हाँ, सुबह ही खाली किया। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो जी चुवाई है आप सब भाइयों के बीच में और काफी अच्छा आर्डर, और आर्डर का जो झड़ाव है वो भी आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले जैसा आर्डर था उसमें काफी फर्क है अभी, क्योंकि कुछ दूध है वो बाल्टी में निकल चुका है यहाँ पे।
तो दूसरे वाली आप देखो, बच्चा नीचे है, दूध पी रहा है और अच्छा झड़ाव है उसमें भी, चार दांत फर्स्ट टाइमर झोटी। तो दो दांत जो फर्स्ट टाइमर झोटी, दूध आप देखिएगा अंडर प्रोसेस है, अभी निकल ही रहा है, मिल्किंग शुरू हो रखी है और मेरे हिसाब से अर्डर का अच्छा खासा झड़ाव, क्योंकि पहले ऊपर ठीक सटीक जो मूत्र मार्ग तक का जो अर्डर था, बिल्कुल चढ़ा हुआ टाइट जो अर्डर था वो, और मेरे हिसाब से 6-7 मिनट हो चुके हैं, जो झड़ाव है उसका हाफ लगभग यहाँ पे आ चुका है। तो जैसा भी दूध, जैसा भी जो जानकारी है वो आपसे भैयों को देंगे, लास्ट में रेट भी कंफर्म करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा और सभी पशुपालकों का बड़ा बड़ा धन्यवाद जो इतना भरोसा, इतना विश्वास करके आप लोग हमारी वीडियो देखते हो, इतना प्यार प्रेम, जो इतना मान सम्मान है वो आप लोग देते रहते हो। तड़के खाली कर दें, तड़के खाली कर दें, छोड़ दूंगा जी थोड़ा और। तो ये दूध लगभग बाल्टी में आप देखो जी दोनों का, ये दो दांत जो फर्स्ट टाइमर झोटी, खीस आप देखो थोड़ा सा पीला पीला रंग आपको दिख भी रहा होगा, और दूसरे वाली में भी आप देख लो। तो अर्डर का झड़ाव एक बार दिखा देते हैं, भाई कह रहे हैं सुबह ही खीस से खाली करेंगे, तो लगभग जो आधा ऑर्डर है वो यहाँ पे हो चुका है, और ये वाली चार दांत जो टीस का भी जो ऑर्डर का झड़ाव है आप लोग देख लो। तो बात करें जीतू भाई, डल्लू मारूं भाई, मपवाना है वैसे, ले यो बाल्टी डल्लू, बाद में कर लेना, खाली है। तो ये चार दांत झोटी, एक बार भाई आए हैं कह रहे हैं एक बार थोड़ा सा लीटर वगैरह माप करके एक लगभग अंदाजा के कितने दूध से चली है, कितने दूध से उठी है, और वो एक बार देख लेते हैं। बाकी जो दूध है वो आप देखिएगा 2-3 बार पलट दी है। माप दूं, आइए मौसम है, उठा के भाई डाल देगा ना, डाल दो उठा के, एक दो तीन और ये देखो लगभग 4 लीटर, कुछ बच्चे को भी छोड़ के पिया हुआ है ना, लगभग 10 लीटर के करीबन दूध से उठे भाई जी, 8 मान लो आप, 8 ठीक है, 8 कह के देंगे। कितना दूध है आपके हिसाब से, कितना देना चाहिए इसने? मेरे हिसाब से तो दूध निकालेगी 15 प्लस, लेकिन मैं दूंगा 14 कह के। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तो जी आप ये फिर इसका क्या मापना है, तो खीस में है ठीक है, लेवटिंग भी रेडी है, तो आप बात करें फिर कीमत मुलभाव आ जाओ फिर एक बार। हाँ किराया वगैरह आज भी फ्री है क्या, कुछ मन है ना? कोई किराया माफ नहीं भैया, परेशान हो गए जीतू भाई है ना, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तो हाँ किराया कोई माफ। अच्छा ठीक है, तो जो पीछे चार दांत झोटी है उसका रेट बता दो एक बार सबसे ये पहले। दे दूंगा भाई आज 1,40,000 रुपए की, 1,40,000 और विद सटरा दूंगा। अच्छा तो मान सम्मान की कोई गुंजाइश? कुछ ना कुछ मान सम्मान तो हो जाएगा ठीक है। अब सभी पशुपालकों की नजर टिकी है दो दांत झोटी के ऊपर, बिल्कुल। तो कीमत मुलभाव देखो भाई जी, और ब्रीडरों की तरह करवानी हो तो कह दूंगा लो 8 लाख रुपए हैं, लेकिन भाई साहब नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक, 8 लाख रुपए तब होते इसको मतलब थोड़ा रंग लेता। हाँ हाँ और बच्चे का भी मतलब
रंग देता, ठीक है, मेरे घर से निकल गई मेरा क्या है। हाँ, मैं भी कह दूंगा लेके आए, वो पीछे वाले ने किया होगा जो किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, लेकिन ऐसे नहीं होगा भाई जी। ठीक है, वाजिब रेट होगा और ब्रीडरों की तरह ना कि 8-10 लाख रुपए कर दिए। बता दो फिर वाजिब रेट, हम भी तो 2,95,000 रुपए। 2,95,000 रुपए, तो मान सम्मान की इसमें कोई गुंजाइश? देखो मान सम्मान तो दोनों में करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, इतना महंगा रेट आज तक तो आपने बताया नहीं। 2,95 हाईएस्ट है ये आपकी डेयरी का, 2,70,000 रुपए 2,65 में सेल हुई थी वो। हाँ, तो उसके बाद 2,95 में, यही पहले हुई थी। उससे पहले क्या? उससे पहले जोटी हुई थी सर, आपकी वीडियो नहीं बनी उसमें। अच्छा, हाँ, वो कितने की दी थी? 3,47,000 रुपए। 3,47,000, ठीक है, टाइमर ही थी वो भी, दो दांत, ठीक है। हाँ, तो मान सम्मान दोनों में गुंजाइश है। हाँ, गुंजाइश मान सम्मान तो करना पड़ता है। ठीक है ठीक है, तो भाई आए एक बार इनसे भी एक मिनट। भाई जी हाथ जोड़ के विनती है, खास कर यूपी वाले भाइयों की, बोलते है की भाई कौन सा मतलब डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा गाँव है, ये मतलब परेशान न करे। मैं फिर बता रहा हूँ, आप भी बता देना, पहले भी बोल देना, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी, नेम एड्रेस सब कुछ चलता है वहाँ पे। मानते नहीं, देखते हाँ, नहीं मानते नहीं। एक स्टूपिड सा क्वेश्चन होता है ये, है ना। हाँ, कि यार पता नहीं हर आदमी को बताना पड़ता है, हर आदमी को। बिल्कुल यार, इंडिया में मतलब 150 करोड़ जनसंख्या, तो मानो आप 1,00,000 नहीं तो 10,000 आदमी ने मतलब फोन किए, सबको ये बताया था 1,000 को, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी गांव गुडाना, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी गांव गुडाना। अरे हमारा भी दिमाग खराब हो जाए यार। इसके लिए एक आपको अलग से कॉल सेंटर खोलना चाहिए वैसे, है ना, आपकी टीम बैठे पूरा हैंडल करे, मैनेज करे, तब तो ठीक है। हाँ, लेकिन रिक्वेस्ट है भाई जी, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी गांव गुडाना जो की हरियाणा में है। ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है जीतू भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो भाइयों से और मुलाकात करवा लेते हैं, दो भाई मेरे जैसे यंग आए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले भाई शुभ नाम, नमस्कार है आपको। नमस्कार भाई साहब, संदीप भाई, आपके YouTube चैनल देखने वाले सभी भाइयों को नमस्कार। जी जी, नाम बता दीजिएगा भाई। नाम पंकज है भाई साहब। पंकज, हाँ, कहाँ से आए हो पंकज भाई? गांव बेगमपुर है सर, जिला करनाल है। जिला करनाल, ठीक है। आपके भाई साहब? नमस्कार, आपको भी नमस्कार है। पानीपत से हैं जी, इस जगह दोस्त हूं जी मैं। अच्छा अच्छा, वैसे नाम राहुल है। राहुल नाम है आपका, ठीक है। तो क्या पशु देखते देखते यहाँ पे पहुँचे? बस आपकी वीडियो देखते थे काफी समय से। हाँ हाँ, भाई को अच्छी लगी थी जी। फिर पहले भी अभी 2-4 दिन पहले निकल गई थी एक जोटी। अच्छा, कल बात एक 22 वाली लेने के लिए कॉल की थी। ठीक है, भाई के पास। अच्छा, कल बात हुई, भाई साहब बोले कि वो रात को ही सेल होगी थी। ठीक है, वीडियो डलने के लगभग 2-3 घंटे बाद सेल हो चुकी थी। तो इसलिए फिर जी तू भाई को बोल लिया था कि ऐसी कोई अगर भैंस आती है, कोई ऐसा पशुधन आता है तो हमें जरूर बताएं, हम लेने के इच्छुक हैं। जी जी जी, तो उसके लिए जीतू भाई साहब की कॉल आई थी, कस्टमर आई हुई है जी, तो इसलिए हम जीतू भाई साहब के पास पहुंचे जी। तो ये जो 4 दांत झोटी आपने धार वगैरह देखी, कैसी लगी? बिल्कुल अच्छी धार थी जी। ठीक है, बिल्कुल ठंडी भैंस है। अच्छा अच्छा, तो मन है लगभग? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ ठीक है, मन है, रेट बनने के ऊपर बात है। हम तो करीब यहाँ 1 बजे से आए हुए हैं, 1 बजे से देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, इतनी ठंडी, वैसे मैंने पहले भी मैंने पशुधन रखा है जी जी, लेकिन इतना ठंडा पशुधन नहीं देखा हूँ। ठीक है, तो पर्पस क्या रहता है अपना, लाइक सेल परचेज क्या है या घर के पर्पस से पशुधन? घर के लिए ही रखते हो? तो क्या जॉब वगैरह करते हो? जॉब वगैरह करते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में हो? ये हम तो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे इसमें रिफाइनरी में जॉब करते हैं। अच्छा, पानीपत रिफाइनरी में। ठीक है ठीक है, तो चलिए भाई बड़ा बड़ा धन्यवाद, आप दोनों से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और दोनों भाई काफी अच्छे हैं। जीतू भाई, अब रेट वगैरह तो आपने बता ही दिया, किराया आपकी बार किया नहीं, काफी भाई मायूस होंगे किराया नहीं किया ना, होने तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका भी। और दोनों झोटियां अल्टीमेट सिलेक्शन आज भी भाई के पास है, दोनों की दोनों सेल के लिए अवेलेबल। संपर्क सूत्र हैं रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कीजिएगा। अच्छा अच्छा पशुधन, अच्छी अच्छी वीडियोस समय समय पे पशु पालकों के सामने लेकर के आते रहेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशु पालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।